नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पंचायत समिति सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जल्द ही बहरोड विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले कुंड रोड सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं विधायक ने बताया कि स्थानीय लोगों को सड़क की दुर्दशा की समस्या झेलनी पड़ रही है, उसे जल्द ही निजात मिलने का समय आ गया है। 2 या 3 दिन के अंदर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, साथ ही क्षेत्र में अन्य सड़क निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। क्या कहा विधायक ने, देखें यह रिपोर्ट। शुरू देखिए, हमारे बहरोड में बरसों से कुछ रोडें टूटी हुई हैं, जिसमें हमारा कुंड रोड है और जो ये उंटोली वाली रोड है, इधर गोकुलपुर से होती हुई कांकरा मोहम्मदपुर पहाड़ी वाली रोड है। पहाड़ी और गोकुलपुर की जो रोड है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिलवा दिया और उसका काम शुरू हो रहा है, पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। जैसे कांकरा मोहम्मदपुर पानी भरा हुआ था गोकुलपुर में, वो काम उसका स्टार्ट हो रहा है। अभी बारिश हो गई थी तो उनका ये कहना था कि बारिश, जो PWD के अधिकारी हैं, इस अभी बारिश ख़त्म होते ही तुरंत चालू कर देंगे। अभी मैंने कहा कि इमीडिएट अब चालू करो, लगभग बारिश का दौर लगभग पूरा सा हो गया, वो चालू कर रहे हैं। दूसरा, हमारा कुंड रोड है जो, उस पर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिए। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने विभाग के सभी अधिकारियों को बुला के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला करके, और ये कहा कि कुंड रोड का काम इमीडिएट चालू करो और नहीं करता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम चालू करवाओ। लेकिन काम चालू हो, कल की डेट में जो ये कंपनी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है कुंड रोड का, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाया है कल। उसने रिटर्न में ये दिया हुआ है कि ये बारिश ख़त्म होते ही मैं काम चालू कर दूंगा। कुछ मशीनें भी हैं जो कालिया ओड़ा के पास उसने अपनी भेज दी हैं कि स्टार्ट करूंगा। फिर भी मैंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका काम चालू हो जाए, क्योंकि ये रोड, टूटी हुई रोड विरासत में हमारे को मिली और कुछ लोग जो बहरोड की तरक्की से दुखी होते हैं, जो बहरोड में प्रोग्रेस होती हुई है उसमें रुकावट डालना चाहते हैं, जिन लोगों ने कभी खुद कुछ किया नहीं, अब बहरोड में अच्छा हो रहा है तो उनके पेट में आटे उठ रहे हैं, मरोड़े उठ रहे हैं। ऐसे लोगों ने, ऐसे बदतमीज किस्म के लोगों ने अपने व्यक्ति से एक रिट फाइल करा के याचिका और इस कुंड रोड पे स्टे लगवा करके इसको रुकवा दिया था। लंबे समय तक रुका रहा, फिर बीच में कोरोना की महामारी आ गई, उस कारण रुका रहा। पहले आचार संहिता थी, कुंड रोड के ऊपर लगभग 90 करोड़ का मुआवजा वितरित कर चुके हैं कुंड रोड के लिए। से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।